ये एलिवेशन है 7400, 7400 की हाइट है, और ये आप सेंटर लीटर पे देख सकते हैं इस पौधे को। और यहाँ पे हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड बनाया जा रहा है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी भी कह सकते हैं, बिल्कुल स्पेस का पूरा यूटिलाइज़ किया जा रहा है स्पेस को। ये यहाँ पे ओल्ड ऑर्चर्ड में से लास्ट एक पौधा बचा है मेरे पास, तो बाकी हो चुके हैं सारे क्लोज। तो ये देखिए आप रॉयल का, आप देख सकते हैं ये सारे रॉयल के पौधे हैं जो कि सेंट्रल लीडर पे है। ये देखिए आप इसमें फ्रूट्स बर्ड देख सकते हैं, पिंक बर्ड अच्छे आ चुके हैं। और ये यहाँ पे रेडलम गाला का पौधा है, और इसमें आप फूल देख सकते हैं। ये देखिए आप इसमें रेडलम गाला में फूल आप साफ साफ देख सकते हैं, बर्ड सारे हिल फुल कहीं भी। ये देखिए रेडलम गाला है, और आप इसकी मोटाई देख सकते हैं, ये कोई 3 या 4 साल का पौधा है। इस पर मैं प्रूनिंग मात्र टॉप करता हूँ, सिर्फ टॉप इसमें किया जाता है, बाकी नहीं किया जाता है। ये रॉयल के पौधे हैं लगभग 12-14 साल के, इन सब में भी सेंट्रल लीडर प्रयास किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं इनकी कैनोपी, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इसकी कैनोपी। ये देखिए धीरे धीरे क्लोज किया जा रहा है, एकदम से स्ट्रेस में पौधा ना आए इसलिए ध्यान रखा जा रहा है। ये देखिए ये यहाँ पे सेंटर लीडर पे है, ये देखिए सेंटर लीडर का पौधा है, और बर्ड्स आप देख सकते हैं पिंक बर्ड बहुत ज़बरदस्त है, ये भी देख सकते हैं अभी सेंटर लीडर पे है। और ये जितने भी पौधे हैं बाकी ये थोड़े बड़े हैं, और इनको भी सुधारा जा रहा है, इनको भी सुधारा जा रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं पौधे यहाँ पे अल्ट्रा हाई डेंसिटी की जा रही है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ लगभग आप स्पेस देख सकते हैं, बिल्कुल मात्र 1-1.5 फीट का स्पेस होगा। मैं और भी इसमें प्लांटेशन की सोच रहा हूँ जो कि नेक्स्ट ईयर होगी। और ये आप देख सकते हैं ये पौधा बिल्कुल ख़त्म है, लास्ट बचा है ये मेरे पास ओल्ड ऑर्चर्ड का सबसे पुराना ये पौधा, और इसके साथ में ये वाला यहाँ पे इसी से निकला हुआ है, और इस पर मैंने ग्राफ्ट कर दिए दाएं बाएं से, ये बिल्कुल ओके है इस तरफ से सनी साइड से, शायद जिस वजह से ये सड़ गया, मुझे लगता है कि यहाँ पे धूप का ज़्यादा ये रहता हुआ, तो इस वजह से ये वाली पोर्शन जो है सड़ चुका था। ये देखिए आप यहाँ पे इसमें भी देख सकते हैं, पर इसमें फ्रूट्स मैं इस बार आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छे फ्रूट बनता है, बहुत अच्छा कलर आता है, सनी साइड है इस वजह से ज़बरदस्त यहाँ पे कलर आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले पोर्शन में मैंने सब में वाइट पेंट कर रखा है। ये देखिए आप हर पौधे में, क्योंकि मुझे पुराने पौधे से एक जानकारी मिली कि इस तरफ बहुत ज़्यादा धूप इस तरफ से पड़ती है, और जिस वजह से ये साइड ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे आप ये देखिए पॉलिनाइजर वैरायटी आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे जहाँ भी मुझे मौका मिला है, ये देखिए ये भी कर रखी है, यहाँ से देख सकते हैं अब ये वाली भी है और ये वाली भी है, ये देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी हर एक ब्रांच पे की गई है। ये देखिए आप यहाँ पे कट देख सकते हैं, अभी बहुत दूर है, अभी भी क्लोज़ आने में बहुत वक्त लगेगा, पर धीरे धीरे एक साथ क्लोज नहीं किया जाएगा, क्योंकि पौधे का स्ट्रेस हमारे लिए स्ट्रेस हो सकता है। तो ये ग्राफ्टिंग हो रखी है इस बार की, ये भी आप देख सकते हैं सेंट्रल लीडर का, ये आप यहाँ पे गोल्डन देख सकते हैं, इसमें हल्की स्प्राउटिंग हो रखी है, आप देख सकते हैं ये भी सेंट्रल लीडर। तो यहाँ पे ये छोटा सा खेत है, और तो इसमें पुराने लगभग 30-31 पौधे हैं जो कि काफ़ी, ये देखिए आप मच्योर मैं कहूँगा, ये लगभग 16 साल के आसपास के 20-25 पौधे, और 10-15 पौधे इसमें लगभग 8-10 साल के होंगे, और बाकी जो नए पौधे हैं
जो भी नई ग्राफ्टिंग हो रखी है वो कम से कम 100-150 के आसपास की होगी, और उसके अलावा बीच में और किए जा रहे हैं इसमें बीच बीच में जहाँ भी जगह मिल रही है। तो मेरा प्रयास है कि इसको मैं पूरी तरह से फिल करूँ, और क्योंकि एक अल्ट्रा हाई डेंसिटी होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास भी होना चाहिए एक अनुभव के लिए। मैंने यहाँ पे अल्ट्रा हाई डेंसिटी के प्रयास किया, ये यहाँ पे इस पौधे में भी रूट रॉट लग चुका था, इसकी जड़ें काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप समझ चुके होंगे किस चीज़ का पेस्ट है, और ये यहाँ पे भी आप देख चुके होंगे, ये वाला मैंने इस पर यूज़ किया है, ये ब्लाइटॉक्स है और ये प्रोसील है हील करने के लिए। तो मुझे काफ़ी सही नज़र आ रहा है रिज़ल्ट, नहीं तो यहाँ पे ये पौधा इस तरफ से इन दोनों जड़ों में रूट रॉट लग चुका था। तो एक हाई डेंसिटी का ऑर्चर्ड ज़रूर बनाए, अल्ट्रा हाई डेंसिटी का ऑर्चर्ड ज़रूर बनाए, और सेंट्रल लीडर पे काम करें सभी बागवान भाई। मेरा आपसे यही मैं आपको एडवाइज़ करूँगा कि सेंट्रल लीडर पे काम करें, क्योंकि वक्त है कंपटीशन रूट स्टॉक वालों से, तो रूट स्टॉक का कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि रूट स्टॉक की क्वालिटी आप सभी जानते हैं, और हम है रॉयल सीडलिंग वाले, तो सीडलिंग वाले इस बार देखते हैं इस पे कैसी परफॉर्मेंस होती है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। अभी मैं इसमें इस वाले ऑर्चर्ड में 12 काट की स्प्रे ज़रूर करूँगा, हल्की हल्की मिस्ट करूँगा, और कुछ एक ऑर्चर्ड को मैं नहीं करूँगा, जो हमारा 6900 वाला ऑर्चर्ड है उसमें मैं बिल्कुल भी इस बार ट्रायल नहीं करूँगा, उस पर 12 काट का देखता हूँ ज़रा क्या रिज़ल्ट रहता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करें चैनल को और बने रहे यूट्यूब के साथ, और ट्यून रखें अपने आप को। अब मैं आपको दिखाऊंगा अपना, ये देखिए आप भी देख सकते हैं यहाँ पे अपना ब्लॉक रूट स्टॉक का, तो रूट स्टॉक के लिए भी आप बने रहे, छोटा सा ब्लॉक है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा सीडलिंग का ही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक, और थैंक्स, ओके।